चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। वी हैव द इनफ आइडिया अबाउट द ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या है, जो भी यूजुअल फार्मूला है उससे आप कर सकते हो, अदरवाइज ये बाई पार्ट से किया जा सकता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग कि विदाउट बाई पार्ट हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूले से कैसे करते हैं। तो हमें हमारे पास एफ एक्स, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर हमारे पास है एंड वी डोंट हैव द एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है आपका, 2x होता है। तो हमने क्या किया, ये एक्सप्रेशन 2x अपनी तरफ से ऐड किया। अगर हमने अपनी तरफ से ऐड किया है तो हमें अपनी तरफ से सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि होल एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का टर्म ये हो गया एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स हो गया, ये तो एडजस्ट हो गया, लेकिन ये आपके पास एक्स्ट्रा आ गया। खैर, इसका भी डेरिवेटिव आप ऐड कर लीजिए, तो माइनस 2x का जो डेरिवेटिव होगा माइनस 2 होगा। तो हम उसे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, माइनस 2x, माइनस 2 हमने ऐड कर लिया, लेकिन फिर से ये एक्स्ट्रा टर्म हो गया हमारे लिए, तो हम इसे ओवरकम करेंगे प्लस 2 करके। तो दैट इज़ द होल आइडिया अपियरिंग एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये हमेशा कर सकते हैं जब आपके पास एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो आप आराम से इस चीज़ को, इस आइडिया को एक्सटेंड कर सकते हो। खैर, दैट इज़ डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ब्रेक कर लेंगे इन सारे छोटे छोटे पीसेस में, मतलब दैट इज़ ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड डी एक्स माइनस, क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी प्लस ई की पावर एक्स और ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 2dx। एंड नाउ द लास्ट वन इज प्लस ई की पावर एक्स इंटू 2dx। तो ये पूरा ही क्वेश्चन हम लोगों ने डिफरेंट चंक में ब्रेक कर लिया। अब सारा का सारा देखिए, यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिए, थोड़ा सा इजी दिखेगा ये। तो ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xdx एंड प्लस यहाँ माइनस कॉमन कर लिया हमने ई की पावर एक्स एंड 2x प्लस 2dx एंड नाउ यहाँ से कांस्टेंट बाहर कर लिया ई की पावर एक्स dx। तो लास्ट वाला तो काफ़ी आसान है, इसका तो ई की पावर एक्स आ गया, 2e की पावर एक्स। लेकिन पहले वाला आप फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो, ये क्या है आपके पास एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स है। फॉर्मूला क्या कहते हैं, इसे हम लोग e की पावर एक्स एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स क्या आपका एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ गया हमारे पास। इस वाले पार्ट का भी यहाँ पे आपके पास एफ एक्स क्या है, 2x है, तो फिर एफ डैश एक्स आपका 2 हुआ, तो फिर आप e की पावर एक्स एफ एक्स लिख सकते हो। तो दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी e की पावर एक्स 2x। नाउ लास्ट का क्या हो जाएगा, लास्ट का तो पहले ही कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है, तो इसको थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं, प्लस 2e की पावर एक्स और प्लस एक इंडेफिनिट कांस्टेंट हम सी लिख लेते हैं। थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं हम लोग, की पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो ई की पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।